लखनऊ और बेंगलोर के बीच खेले गए मुकाबले में दोस्तों लखनऊ ने आखिरी ओवर में एक विकेट से मुकाबला जीत लिया। पूरन स्टोनर्स की विस्फोटक पारियों ने बेंगलोर के मुंह से जीत छीन लिया। निकोलस पूरन के सीजन के सबसे तेज अर्धशतक और मार्क्स स्टोनर्स की विस्फोटक पारी के दम पर लखनऊ सुपर ज्वाइंट ने इंडियन प्रीमियर लीग 16 का सबसे रोमांचक मुकाबला जीत लिया। इस टीम ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक विकेट से हराया। इस मैच की खासियत यह रही कि आखिरी बॉल तक किसी को पता नहीं था कि कौन जीत रहा है। मैच का आखिरी ओवर नाटकीय रहा, इसमें लखनऊ को 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन हर्षल पटेल की गेंदबाजी ने सुपर ज्वाइंट्स के बल्लेबाजों को आखिरी बॉल तक बांधे रखा। 213 रन का टारगेट चेज करने उतरी लखनऊ की ओर से विकेटकीपर निकोलस पूरन ने 15 बॉल में सीजन की फास्टेस्ट 50 सबसे तेज 50 जमाई। उनसे पहले मार्कस स्टोनोइस ने 30 बॉल में 65 रन की विस्फोटक पारी खेली। टीम ने 20वें ओवर की आखिरी बॉल पर 9 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। इससे पहले बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने भी विस्फोटक बैटिंग की। विराट कोहली के 61 रन बनाने के बाद फाफ डुप्लेसी ने 79 रन और ग्लेन मैक्सवेल ने 59 रनों की तेज पारी खेली। तीनों अपनी टीम का स्कोर 20 ओवर में 212 रन तक ले गए। लखनऊ को 6 बॉल में 5 रन की जरूरत, 2 विकेट बाकी थे। पहला बॉल जयदेव उनादकट ने मिड ऑफ पर 1 रन लिया। दूसरा बॉल हर्षल पटेल ने मार्क वुड को बोल्ड कर दिया। तीसरा बॉल रवि बिनोई ने पॉइंट पर 2 रन ले लिए। चौथा बॉल बिनोई ने स्क्वायर लेग पर 1 रन लिया। पांचवा बॉल उनादकट लगन पर कैच आउट हो गए। और छठा बॉल में दोस्तों हर्षल ने मार्केटिंग की कोशिश की, लेकिन बॉल स्टंप से नहीं लगी। उन्होंने थ्रो किया, लेकिन मार्केटिंग में थ्रो से विकेट नहीं मिलता, इसलिए बिनोई रन आउट होने से बच गए। अंपायर ने डेड बॉल करार दिया। हर्षल ने स्लो जाकर फेंकी छठा बॉल। आवेश खान बॉल मिस कर गए। विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथ में भी बॉल नहीं आई और बिनोई ने 1 रन पूरा कर लिया दोस्तों। तो इस तरह से लखनऊ सुपर ज्वाइंट ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से रोमांचक मुकाबला सांस रोक देने मुकाबले को अंतिम ओवर में अपने नाम कर लिया, एक विकेट से जीत लिया ये मुकाबला। लखनऊ सुपर ज्वाइंट की तीसरी जीत हुई। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।